क्या ये अर्थ के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करती है सो माई डियर स्टूडेंट्स हमें एक अंडा चाहिए उबलावा सो अ बॉइल्ड एग हेयर इज अ बॉइल्ड एग एंड हेयर इज द अर्थ सो आपको कोई रिजेंबलेंस नजर आ रही है अंडे में और अर्थ में सो so अगर आपको नहीं नजर आ रही तो चले अब हम देखते हैं सो वेन आई कट इट हाफ मैंने इसको आधा कर लिया तो अब आपको कुछ लेयर्स इसकी नजर आ रही होंगी किस तरह से लेयर्स हैं लुक सबसे पहले शेल आ जाता है देन कम्स द वाइट पार्ट एंड देन कम्स द दोग सो हाउ मेनी लेयर्स काउंट देम वन देन कम्स द वाइट पार्ट टू एंड द येलो पार्ट थ्री सो कितनी लेयर्स हो गई थ्री लेयर्स हो गई सो so, अब आपका ग्लोब है ये इसको अगर हम डायसेक्ट करें तो अर्थ अंदर से कैसा होगा अर्थ की लेयर्स हैं किस तरह से लेयर्स हैं द टॉप मोस्ट लेयर ठीक है दिस टॉप मोस्ट लेयर दिस इज कॉल्ड द

कोर क्रस्ट मेंटल एंड कोर थ्री लेयर्स हाउ मेनी लेयर्स? थ्री लेयर्स सो नाउ डू दिस रिजेंबल विद द अर्थ स्ट्रक्चर क्या ये अर्थ के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करती हैं? यस दे रिजेंबल विद द अर्थ स्ट्रक्चर ओके माय डियर स्टूडेंट्स. सो हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर अर्थ की या अंडे की पहले लेयर्स हम काउंट करते हैं फर्स्ट कम्स द शेल then comes the white part and then comes the yellow part so kitni layers ho gayi three layers ho gayi now here is the earth aur usko jab dissect karenge so the topmost layer the the blue layer jo aapko nazar aa rahi hai blue and green that is the crust then comes the mantle and then comes the core अब आगे जो है core और mantle को further divide किया हुआ है लेकिन इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे But right now the Earth also has three layers.

कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट है ये हम इस स्ट्रेक्चर में पढ़ेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन सो क्विकली टेल मी दैट ऑन विच लेयर ऑफ अर्थ डू वी लिव हम अर्थ की कौन सी लेयर पे रहते हैं सो so, जब हम अर्थ को डाइसेक्ट करते हैं ये हमारा अर्थ है जो डाइसेक्टेड है एंड दिस इज द फुल अर्थ जो कि आपको ऊपर से नजर आता है सो so, आप कौन से पार्ट पे रहते हैं डू वी लिव ऑन द क्रस्ट in the mental or in the core of course we live on the crust hum crust hain. okay now let's quickly move forward towards the reading for rec uh, reading i request you all to please open page number 105 in your science 5 books i hope everybody has opened the page now let's start the reading put your fingers where i will read structure of earth the earth is our home planet we know that earth consists of land water and air but we do not know much about the interior of the earth so my dear students earth to have ye hamara ghar hai yahan janwar bhi rehte hain paudhe bhi rehte hain insaan bhi rehte hain Earth जो है वो हमें पता है हवा है यहाँ पानी है land है जमीन है यहाँ हम इस पे मिलके जो है इसको हम कहते हैं ये अर्थ बन गया लेकिन हमें अर्थ के इंटरनल पोर्शन के बारे में यानी कि अर्थ अंदर से कैसा है इसके बारे में हमें बहुत कम मालूम है सो so, आज हम इसी के बारे में मजीद जानने की कोशिश करेंगे द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट लेयर्स यानी कि जो अर्थ का इंटीरियर है जो इनसाइड है ये तहों पर मुश्तमिल है लेयर्स पर मुश्तमिल है ईच लेयर हैज अूनिक कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन हर जो लेयर है उसका एक यूनिक कॉम्पोजिशन है यानी कि उसको मुख्तलिफ तरीके से क्रिएट किया गया है और मुख्तलिफ फंक्शन है उनके सो है यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द अर्थ एंड द एग सो जिस तरह एग uh, की तीन लेयर्स हैं दैट इज द शेल द वाइट पार्ट एंड देन कम्स द येलो पार्ट सो इसी तरह से अर्थ के अंदर भी

So let's study about the crust first. The crust is the outermost layer of the Earth and is less than one percent of the entire Earth's size. It comes in contact with the atmosphere and living things inhabit here. It is the thinnest coating on the deeper layers. The crust is in a solid state. सो माय डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हम अर्थ को देखते हैं सो है यू कैन सी द अर्थ ठीक है ये पूरा ग्लोब है मेरे पास तो जो वेरी आउटर लेयर है इज वन परसेंट सिर्फ ये कितना परसेंट है दिस इज द वन परसेंट ऑफ द एंटायर अर्थ सो इसके अंदर जो है ये टॉप मोस्ट लेयर है एंड इट इज द थिनेस्ट लेयर यानी कि ये सबसे थिन लेयर है वो हम कैसे देख सकते हैं है यू कैन सी द डायक्शन जब आप डायसेक्शन देखते हैं सो यू कैन सी के जो टॉप मोस्ट लेयर है टॉप मोस्ट लेयर है, इट इज द थिनेस्ट और फिर जो है लेयर्स नीचे वाली जो है वो थिक होती जाती हैं। सो वी कैन से द क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर द अर्थ की क्रस्ट का जो एवरेज टेम्परेचर है वो फोर्टीन डिग्री है thickness ऑफ दिस layer इज 5 टू 30 किलोमीटर और इसकी थिकनेस कितनी है यानी कि इस तरीके से जब हम इसकी थिकनेस देखेंगे इस तरह ठीक है तो वो थिकनेस कितनी है इसकी दट इज फाइव टू थर्टी किलोमीटर यानी कि से किलोमीटर पर है द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ आयरन कैल्शियम सोडियम पोटेशियम सिलिकॉन मैग्नीजियम एंड एल्यूमिनियम सो माई डियर स्टूडेंट्स अर्थ की क्रस्ट है ये किन किन चीजों से मिलकर बनी है ये इन तमाम मादनियात से बनकर मिलकर बनी है जिनके नेम्स है आयरन कैल्शियम सोडियम पोटाशियम सिलिकॉन मैग्नीजियम एंड एल्यूमिनियम इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट द थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर देन दैट ऑफ द ओशनिक क्रस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूज लैंड मासस ऑन इट सो माई डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा यानी कि अगर आप अर्थ की क्रस्ट को देखें ओके सो क्रस्ट के लिए मैं आपको फुल ग्लोब जो है वही दिखाऊंगी सो so, अगर आप अर्थ की क्रस्ट को देखें तो ये दो चीजों पे मुश्तमिल है टू मोर लेयर्स वन इज द ओशनिक लेयर जो कि ब्लू कलर की आपको नजर आती है ठीक है दैट इज द वॉटर पार्ट एंड द अदर इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ठीक है द लैंड पोर्शन सो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस जो है वो ओशनिक क्रस्ट से ज्यादा है वाई इज दैट क्योंकि उसके ऊपर लैंड मास ज्यादा है यानी कि जमीनी हिस्सा ज्यादा है सो अर्थ क्रस्ट किन किन चीजों से मिलकर बनी है एल्यूमिनियम आयरन कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एंड ऑल अदर एलिमेंट्स और इसके अलावा सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर द वेरी बिग पार्ट यानी कि ये मैक्सिमम तादाद में है और इसके और फर्दर लेयर्स कौन सी हैं जिनमें ये डिवाइडेड है दैट इज ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ कम्स द मेंटल

अब अर्थ देखे कितना खूबसूरत लग रहा है इट्स ग्लोइंग सो द क्रस्ट इज ग्लोइंग अब मैं आपको इसकी दिखाती हूं देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट देन कम्स द मेंटल सो so, मेंटल अब मैं आपको जब दिखाऊंगी तो आप देखेंगे इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ यानी कि ये पूरे अर्थ का 84 परसेंट है क्रस्ट जो थी वो 1 परसेंट थी मेंटल जो है ये 84 परसेंट है सो है यू कैन सी ये क्रस्ट है और इसके फौरन बाद जो है वो मेंटल शुरू हो जाता है दैट इज द रेड पोर्शन और आप देखें ये सबसे ज्यादा तादाद में है तो ये पूरे अर्थ का एट्टी है इट इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इट इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ So, the red portion is the mantle, crust or now we will talk about the second portion that is the mantle and it is the 84% of the earth. The mantle is made of iron, oxygen, silicates and magnesium and aluminium. It has two layers that is upper mantle and the lower mantle. The upper mantle is situated between 70 to 470 kilometers below the earth's surface. स्टूडेंट अगेन अगेन हैव ए लुक बिल्कुल क्रस्ट के नीचे से मेंटल स्टार्ट हो जाता है ठीक है और मेंटल जो है इसके टू पोर्शन है दैट इज इनर मेंटल यानी कि जो कोर के साथ जाके टच होता है और जो बिल्कुल क्रस्ट के साथ टच हो रहा है दैट इज द आउटर मेंटल सो आउटर मेंटल जो है वो अर्थ की सरफेस से कितनी दूर है लेट्स हैव ए लुक अगेन ये सिर्फ 70 टू 470 सेवेंटी किलोमीटर बिलो है यानी कि 70 टू 470 सेवेंटी किलोमीटर बिलो द क्रस्ट स्टार्ट द मेंटल यानी कि 70 किलोमीटर या 470 सेवेंटी किलोमीटर कहीं पर यह ज्यादा होता है डेप्थ ज्यादा हो जाती है जो मेंटल है वो स्टार्ट हो जाता है क्रस्ट के बाद द टेम्परेचर ऑफ द अपर मेंटल इज 1000 टू 3700 डिग्री सेंटीग्रेड सो जो अपर मेंटल है जो अपर मेंटल है इसका टेम्परेचर कितना है हजार डिग्री सेंटीग्रेड से लेके यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री uh, 3700 डिग्री सेल्सियस तक द सर्फेस ऑफ अपर मेंटल कम्स इन कॉन्टेक्ट क्रस्ट इट इज कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड द लिथोस्फेयर सो माई डियर स्टूडेंट्स जब क्रस्ट और मेंटल जहां पर कंबाइन होते हैं इस जगह को लिथोस्फेयर कहा जाता है कलेक्टिवली यानी कि जहां पर क्रस्ट और मेंटल कंबाइन हो रहे हैं दैट पोर्शन इज कॉल्ड लीथोस्फेयर व्हाट इज इट कॉल्ड ये जो जंक्शन है ये जो कनेक्टिविटी है बिटवीन द मेंटल एंड द क्रस्ट दिस पोर्शन ये जो ब्राउन कलर का आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड द लीथोस्फेयर सो हेयर इज अर्थ मेंटल सो अर्थ मेंटल की कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलिकेट्स एल्यूमिनियम आयरन कैल्शियम एंड सोडियम ये इन तमाम चीजों से मिलकर जो है मेंटल बना हुआ है ठीक है और मेंटल के कितने पोर्शन है हाउ मेनी पोर्शन देर आर टू लेर्स मेंटल को भी फर्दर टू लेस में डिवाइड किया गया है इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल ठीक है और आउटर मेंटल जो है वो सेवेंटी से फोर सेवेंटी फाइव किलोमीटर जो है दैट इज बिलो अर्थ क्रस्ट और उसके अलावा जहां आउटर मेंटल और क्रस्ट कंबाइन होते हैं दैट पोर्शन इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स नाउ कम्स द कोर द वेरी वेरी इनर पोर्शन ऑफ द अर्थ द कोर इज द center of gravity that pulls everything towards itself. It is a solid fireball that is located right at the center of the earth. It is most denser layer because of its density. the core is the heaviest metallic layer. Like the mantle, the core has two layers, the outer core and the inner core. So my dear students core this is the core. ये जो येलो पोर्शन आपको नजर आ रहा है दिस इज द कोर अब कोर के भी टू पोर्शन हैं, ये जो है दिस इज द इनर कोर और ये जो येलो पोर्शन इसको सराउंड कर रहा है दैट इज द आउटर कोर ठीक है ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी वजह से अर्थ में ग्रेविटी है जो कि हर चीज को अपनी तरफ खेच रही है पुल कर रही है ठीक है इट इज बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन ओके अब ये क्या है दिस इज अ सॉलिड फायरबॉल ये एक फायरबॉल जलती हुई आग की तरह है. इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है सो है यू कैन सी क्रस्ट और ये पोर्शन जो है दिस इज लिथोसफेयर वेयर मेंटल एंड क्रस्ट कंबाइंस देन कम्स मेंटल ये सबसे बड़ा पोर्शन है अर्थ का एटी फोर परसेंट ऑफ द अर्थ मैस और क्रस्ट कितना है इट इज ओनली वन परसेंट अब सेंटर ऑफ जो ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर और कोर के दो पोर्स है दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है मेटालिक है ये और ये फायर बॉल है बिल्कुल जलता हुआ है और इसके दो पोर्सन है दिस इज आउटर कोर

ज द मोल्टन लावा इन एट ठीक है इसके अंदर मोल्टन लावा भरा हुआ होता है जो कि जब जहां जो है जो आप किरप्ट होता है जब तो आप वो देख सकते हैं कि ये तमाम जो चीजें हैं स्टोन्स एंड प्रेशर बिल्ड्स हेर और इसकी वजह से ये हीट बहुत ज्यादा होती है तो इट टर्न इन टू मोल्टन लावा ओके माई डियर स्टूडेंट्स सो क्विकली टेल मी दट आर द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ अर्थ की तीन लेयर्स कौन सी है द्री लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट मेंटल एंड कोर क्रस्ट मेंटल एंड कोर वट इज द डिविजन ऑफ अर्थ क्रस्ट अर्थ की क्रस्ट की कितनी डिविजन है इट इज डिवाइडेड इंटू टू लेच इज ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ट इज द टेम्परेचर ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल तो क्रस्ट का टेम्परेचर कितना है दैट इज फोर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड इन एवरेज यानी कि एवरेज टेम्परेचर जो क्रस्ट पे है दैट इज फोर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड और मेंटल का टेम्परेचर जो है वो थाउजेंड डिग्री सेल्सियस से लेकर थर्टी सेवन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक है सो वट आर द नेम्स ऑफ द लेयर्स ऑफ कोर एंड मेंटल सो मेंटल की दो लेयर्स कौन सी हैं दैट इज आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल और कोर की दो लेयर्स कौन सी हैं दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर क्रस्ट डिवाइडेड इनटू टू ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देन आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल देन कम्स इनर कोर आउटर कोर एंड इनर कोर

Then comes the inner core, outer core, and then comes the inner core. So now answer these questions. They are given in the next part of the worksheet. Almost three fourth of the crust is covered by what? By water. Which layer is the uh, is covered? Uh, okay. Which layer is at the center of the earth? That is core then what is the largest layer of the earth that is mental. what is the smallest layer of earth that is crust where do we live on we live on crust which layer is the hottest that is core now match the following so continental crust the part that we uh, the part of the earth we live on the oceanic crust the layer directly under the oceans so the mantle solid ball as hot as the surface of the sun that is the inner core then the mantle is the made of liquid iron and nickel outer core where the volcanic lava comes from so this is how you will complete the worksheet pause the video and quickly finish it i hope everybody has done it now let's quickly move forward

prepare a model of internal structure of the earth you may use recycled materials such as a old newspapers cotton balls etc so my dear students just the earth ka model banaya internal portions make model banana head this is very easy to make mainne थर्मोपोल बॉल जो है वो यूज की है यू कैन ऑल्सो यूज न्यूज पेपर बॉल्स आप उनको रैप करें और उनको पेंट कर सकते हैंटन लेकिन थर्मोपोल बॉल जो है दैट इज इजीली अवेलेबल फ्रॉम बुक शॉप्स एंड यू कैन बाय दिस एंड यू कैन मेक योर ओन मॉडल एंड देन प्रेजेंटेड इन द क्लास ओके माई डियर स्टूडेंट सो दिस विल बी योर होमवर्क सो द रैप अप so we have लर्न that earth consists of three layers so earth ki teen layers kaun si hain that is the crust crust then comes the mental so the mental and number three is the core so core so these are the three layers of the earth i hope now you know all about the interior of the earth keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz